ले बाबा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मेरी बेटी का बर्थडे है, उनकी जन्मदिन है और हम आए हैं मंदिर में। प्लीज़ आप लोग हमारी बेटी का आशीर्वाद देखें, हमेशा खुश रहे। और ये जो ब्लॉग है वो 27 तारीख का ही है। 27 तारीख को मेरी रीतिका का बर्थडे था, लेकिन अभी पूजा वाला ब्लॉग में डालूँगी। लेकिन क्या है ना कि टाइम नहीं मिल पाता एडिटिंग करने का, तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। बाबू का जो है तबीयत ठीक नहीं था, छोटे वाले बाबू का, तो इसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो आज मैं कर रही थी, आज है 29 और 30 को आप लोग को मिलेगा ये वीडियो देखने को। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी बेटी को दीजिए आशीर्वाद कि वो हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। आप सब अच्छे विशेष दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। जैसे मैं आई थी मंदिर में, मंदिर घर जाकर पूजा करने के बाद हम लोग घर पे चले गए थे। और पूरा व्लॉग आप लोगों को, ये व्लॉग सिर्फ आप लोगों को मंदिर का ही मिलेगा, मंदिर का ही मैं इसमें डाली हूँ। और आगे जो पार्टी हुआ है उसका व्लॉग अलग से आएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और वीडियो अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए। और यहाँ पे आप लोग को जो बच्चे की आवाज़ आएगी बीच बीच में, प्लीज़ आप लोग उसे माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ ना तो बाबू भी पास में है और वो खेल रहा है, बस उसका ही आवाज़ बीच बीच में आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर मतलब ये मंदिर बहुत बड़ा है और हर भगवान का मूर्ति है यहाँ पे, छोटा छोटा मतलब। एक तो भोले बाबा की जो मंदिर है वो बहुत बड़ा मंदिर है, लेकिन बाकी जो भी यहाँ पे भगवान है उन लोग का छोटा छोटा मूर्ति मंदिर छोटा छोटा बना हुआ है। तो मेन मंदिर जो है वो भोलेनाथ की है, तो उसमें हम पूजा कर लिए हैं। तो बाकी जो बाहर में मंदिर है मैं उस समय पूजा कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप बड़े वाले मंदिर में पूजा करके, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना कि मैं देखूं कि आते हैं तो सिर्फ उसी में पूजा करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो सब में पूजा करते हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। वहीं पे सारे भगवान हैं और एक भगवान को पूजा करके हम लोग वापस आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। और ये है माँ मनसा देवी माँ, मतलब आपके मन की जो भी मन्नत होती है वो पूरा करने वाली माँ माता। तो बस यहाँ पे पूजा करके हम सारे गेट को फिर बंद करते जा रहे हैं। और रितिका का जो बर्थडे है वो आज हम नानी के घर पे ही मानने वाला है। तो हम लोग अपने घर से तैयार वार होके नहा धोवा के मैं और रितिका बाबू चले आए हैं माँ के घर पे, और यहीं पे पार्टी मनने वाला है। क्योंकि है कुछ कारण जो ऐसे नहीं बता सकते हैं, बस ऐसे ही कोई कारण वारण नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन इस बार ऐसे ही यहीं पे मनाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसलिए। और बहुत सारे, और यहाँ पे देखिए ये है बजरंगबली की मूर्ति मंदिर, तो यहाँ पे पूजा कर लूँगी। यहाँ गेट बंद था तो बाहर से ही करना था, तो हम बाहर में ही कर रहे हैं। और आप लोग को ना ब्लॉग में थोड़ा सा कैमरा हिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि कैमरा सही नहीं आया है, ब्लॉग में भी देख रही हूँ जब एडिटिंग कर रही हूँ तब। और ये है बलराम बाबा, तो यहाँ पे अब लास्ट ये पूजा करना है, उसके बाद घर वापस जाना है। सारे देवताओं को पूजा करने के बाद, सारे मंदिर में पूजा करने के बाद लास्ट में यहाँ पे पूजा होता है।
और इतिका का जो है देखिए आप लोग, वो किया कि है डंगरी वाला उसका फ्रॉक है, लेकिन वो उसको स्कर्ट बना दिया क्योंकि खरीदने के वक्त हम उतना ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन जो उसका है वहाँ पे बटन नहीं लग पा रहा है, उसको फिर सही करना पड़ेगा। तो बस वैसे ही हम पहन ली है और यहाँ पे हो गया हम लोग का पूजा। अब हम जाएंगे घर, लेकिन हम जो चप्पल है अपना वो उधर खोले हैं, तो बस वही पहनने के लिए उधर जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, किसी का भी वीडियो हो उस पर आप जाइए तो प्लीज़ प्ले वीडियो को पूरा 2-3 मिनट देखने के बाद ही वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखिए और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए। और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी टाइम हो जा रहा है, काफ़ी लेट हो जा रहा है एक ब्लॉग डालने पे, कितना कितने दिनों के बाद में ब्लॉग डाल रहे हैं उसके लिए सॉरी।